हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपको लेके आए हैं 2060 की ऐसी प्रॉपर्टी में जिसकी लोकेशन हमें मिलने वाली है श्याम नगर स्पाइसी किचन के पास में। बात की जाए इस विला के फ्रंट एलिवेशन की, तो इस विला का फ्रंट एलिवेशन में हमें मिलने वाला है जोधपुरी स्टोन का वर्क, साथ ही हमें पीवीसी वर्क मिलेगा। विला के एंट्री पे हमें दोनों साइड 3-3 फुट के हमें ग्रेनाइट का रैंप मिलने वाला है, साथ ही हमें इन आउट के लिए हमें ग्रेनाइट की स्टेयर्स मिलेगी। अब हम चलते हैं विला के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ हमें मिलने वाला है आयरन का हैवी डोर जो हमें हैवी कटिंग डिजाइन के साथ मिलने वाला है। ये है इस विला का पार्किंग एरिया जिसका साइज हमें मिलने वाला है 9x19 का। यहाँ हम इजीली अपनी 2-व्हीलर या बड़ी गाड़ी या 4-व्हीलर इजीली खड़ी कर सकते हैं। कार वॉश करने के लिए हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा टैब मिलेंगे, साथ ही यहाँ में सीलिंग हाइट तक हमें टाइल्स वर्क मिलने वाला है। फॉल सीलिंग का डिजाइन किया हुआ है रूफ पर। यहाँ हमें शू रैक मिलेगी, साथ ही वेंटिलेशन के लिए विंडो मिलने वाले हैं। यहाँ हमें 3 CCTV कैमराज मिलने वाले हैं, साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे जोधपुरी स्टोन का वर्क मिलने वाला है। इस विला में 2 एंट्री गेट है, एक एंट्री गेट जाएगा हमें लॉबी की ओर और दूसरा एंट्री गेट जाने वाला है यहाँ पे ड्राइंग रूम की ओर। अब मैं आपको लेके चलती हूँ इस विला के अंदर। यहाँ हमें एक्स्ट्रा स्पेस मिलने वाला है जहाँ हमें वाटर टैंक मिलेगा जिसका साइज है 1050 लीटर का। मेन एंट्रेंस में हमें मिलने वाला है यहाँ पे ग्लास डोर जो कि हमें प्योर सागवान का मिलेगा। अब बात करते हैं हम इस विला के ड्राइंग रूम की जिसका साइज हमें मिलने वाला है 9.5x14 का। ये है इस विला का मेन एंट्री गेट। जैसा मैंने आपको बताया था मेन एंट्री गेट हमें मिलने वाला गेट मिलने वाला है हमें ग्लास डोर का विद सागवान, और ये डोर भी हमें मिलेगा सागवान का। यहाँ हमें वेंटिलेशन के लिए हमें विंडो मिलने वाली है। ड्राइंग रूम हमें टीवी पैनल के साथ मिलने वाला है जहाँ हमें शोकेस के लिए फैंसी लाइट्स के साथ कॉलम मिलेंगे, साथ ही हमें नीचे एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए ड्रॉर मिलने वाले हैं। बात की जाए हमें यहाँ पे 5-सीटर सोफा मिलेगा, साथ ही हमें सेंटर टेबल मिलने वाली है। यहाँ हमें स्टाइलिश लुक के टेक्सचर के साथ में वॉल मिलेगी जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल और साथ में हमारे सीलिंग डिजाइन का टेक्सचर सेम मिलेगा जो कि हमें इसे परफेक्ट लुक देगा। यहाँ हमें एसी मिलने वाला है। ड्राइंग रूम हमें अटैच लेट बाथ मिलने वाला है जो कि हमें इंडियन लुक में मिलेगा ये लेट बाथ। विला के अंदर सारे डोर हमें फ्लश डोर मिलेंगे। अब चलते हैं हम विला के लॉबी कम डाइनिंग एरिया में। यहाँ हम देख सकते हैं हमें परफेक्ट डिजाइन में फॉल सीलिंग मिलेगी, साथ ही यहाँ हमें मिलेगा यहाँ पे 5-सीटर सोफा विद सेंटर टेबल मिलने वाला है। यहाँ टेम्पल स्पेस दिया हुआ है जहां पे हम इजीली अपना पूजा घर सेट कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलती हूँ लॉबी एरिया के टीवी कैबिनेट की ओर जहां हमें शोकेस रखने के लिए हमें यहाँ कॉलम्स मिलने वाले हैं फैंसी लाइट्स के साथ में, साथ ही हमें मिलेगा 53 इंचेस का LED टीवी और हमें नीचे ड्रॉर मिलने वाले हैं जहां हम अपना एक्स्ट्रा स्टोरेज का सामान रख सकते हैं। यह है यहाँ का वॉश बेसिन एरिया जिसका आप डिजाइन दे सकते हैं। यहाँ हमें एक्स्ट्रा कैबिनेट्स मिलेंगे जहां हम अपना एक्स्ट्रा एसेसरीज रख सकते हैं वॉशिंग एरिया की। अब मैं आपको लेके चलती हूँ इस विला के फर्स्ट रूम में ग्राउंड फ्लोर के जिसका साइज हमें मिलने वाला है 12x14 का। यहाँ हमें हेडबोर्ड मिलने वाला है जिसमें आप देख सकते हैं फैंसी लाइट्स के साथ और कटिंग डिजाइन के साथ हमें हाइड्रोलिक बेड मिलेगा विद मैट्रेस, साथ ही हमें मिलने वाली है यहाँ पे लॉकर के साथ में हमें ड्रॉर मिलने वाली है। एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए हमें यहाँ पे अपर कैबिनेट्स मिलेंगे। यहाँ पे डेकोरेशन सामान रखने के लिए हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉलम मिलने वाले हैं। ये रूम भी हमें अटैच टीवी पैनल के साथ मिलेगा जहां पे आप देख सकते हैं शोकेस के लिए हमें एक्स्ट्रा कॉलम दिए हुए हैं, साथ ही हमें एक्स्ट्रा स्पेस के लिए हमें यहाँ कैबिनेट्स दिए हुए हैं। इस रूम में हमें वेंटिलेशन के लिए विंडो मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ बात की जाए ड्रेसिंग एरिया की जहां हमें
एक्स्ट्रा स्पेस में ड्रेसिंग एरिया मिलने वाला है जहां हम अपनी एक्स्ट्रा एक्सेसरीज रख सकते हैं। साथ ही नीचे ड्रॉर मिलने वाले हैं। ये रूम हमें मिलेगा अटैच लेट बाथ, जहां देख सकते हैं व्हाइट एंड ब्लैक के परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ सीलिंग हेड तक में टाइल्स वर्क मिलने वाला है। यहाँ की सारी सैनिटरी फिटिंग हमें सैरा की मिलने वाली है और क्रॉम्पटन ब्रांड के हमें गीजर मिलने वाले हैं। अब मैं आपको लेके चलती हूँ इस विला के किचन की ओर। इस विला के अंदर सारे डोर फ्रेम हमें ग्रेनाइट के मिलने वाले हैं। किचन का डोर हमें फ्लश डोर मिलेगा। ये है किचन एरिया जहां हमें ग्रेनाइट का काउंटर मिलने वाला है, साथ ही ऑटोमेटिक चिमनी मिलेगी। देख सकते हैं आप ह्यूज स्पेस में हमें अपर कैबिनेट्स मिलने वाले हैं जहां हम अपना एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं। सॉफ्ट क्लोजर के साथ हमें मिलने वाले हैं यहां पर कैबिनेट्स। साथ ही यहां मिलेगी ट्रॉली बॉक्सेस जो कि स्टील की होगी। ये किचन का सिंक एरिया है, साथ ही हमें यहाँ गीजर मिलेगा। आप देख सकते हैं हमें किचन भी व्हाइट एंड ब्लैक के परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ टाइल्स में मिलने वाला है। फॉल सीलिंग हमें यहाँ मिलेगी। अब मैं आपको लेके चलती हूँ वॉशिंग एरिया में। यहाँ हमें वॉशिंग के लिए एक्स्ट्रा टैब मिलने वाले हैं, साथ ही हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस के लिए हमें कबर्ड मिलने वाली है। अब चलते हैं हम इस विला के फर्स्ट फ्लोर की ओर। आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे स्टेयर्स मिलने वाली है ग्रेनाइट की, साथ ही स्टेनलेस स्टील की हमें रेलिंग मिलने वाली है। साथ ही हमें यहाँ पे फैंसी लाइट्स मिलेगी। ये है विला के फर्स्ट फ्लोर का लॉबी एरिया जहां आप देख सकते हैं हमें परफेक्ट लुक में हमें फॉल सीलिंग मिलेगी। साथ ही हमें एल शेप में यहाँ सोफा मिलने वाला है विद सेंटर टेबल। यहाँ इस लॉबी एरिया में हमें मिलेगा टीवी पैनल साथ में मिलने वाला है, जहां हमें कॉलम दिए हुए हैं शोकेस रखने के लिए, साथ ही नीचे ड्रॉर दिए ताकि हम अपना एक्स्ट्रा सामान रख सके। अब मैं आपको लेके चलती हूँ इस विला के मास्टर बेडरूम की ओर। ये है इस विला के फर्स्ट फ्लोर का मास्टर बेडरूम जिसका साइज हमें मिलने वाला है 14x14 का। बात की जाए यहाँ पे बेड की तो यहाँ हमें स्टाइलिश हेडबोर्ड के साथ में फैंसी लाइट के साथ में हमें बेड मिलने वाला है। आप देख सकते हैं दोनों ओर हमें इसकी साइड टेबल भी मिलेगी। यहाँ हमें वार्डरोब मिलेगी, साथ ही एक्स्ट्रा स्पेस के लिए हमें अपर कैबिनेट्स मिलने वाले हैं। परफेक्ट लुक में हमें यहाँ पे फॉल सीलिंग मिलेगा। आप देख सकते हैं ये बेड हमें ट्रॉली बॉक्सेस के रूप में मिलेगा। मास्टर बेडरूम में हमें टीवी पैनल मिलने वाला है जिसमें आप देख सकते हैं फैंसी लाइट्स के साथ हमें कॉलम्स मिलेंगे जहां अपने शोकेस का सामान रख सकते हैं। साथ ही हमें एक्स्ट्रा ड्रॉर मिलने वाले हैं जिसमें हम एक्स्ट्रा स्टोरेज का सामान रख सकते हैं। इस रूम की खास बात यह है कि हमें यहाँ ड्रेसिंग एरिया अलग से मिलने वाला है। यहाँ आप अपना एसेसरीज एक्स्ट्रा एसेसरीज रख सकते हैं। ये है इस रूम का अटैच लेट बाथ जो कि हमें लार्ज स्पेस में मिलने वाला है, साथ ही हमें परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ हमें टाइल्स वर्क मिलेगा सीलिंग हाइट तक और काउंटर में गीजर मिलने वाले हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था यहाँ की पूरी सैनिटरी फिटिंग है वो हमें सैरा की मिलने वाली है। ये है इस मास्टर बेडरूम की बालकनी जहां हमें सागवान का ग्लास डोर मिलने वाला है। साथ ही इस बालकनी का साइज है हमें 19x8 का। यहाँ हमें वेंटिलेशन के लिए विंडो मिलेगी, साथ ही आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग मिलने वाली है यहाँ हमें। और साथ ही स्टाइलिश लुक में हमें यहाँ फ्लोर मिलने वाला है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ इस विला के थर्ड रूम की ओर। ये है इस विला का थर्ड रूम जिसका साइज हमें मिलने वाला है 9.5x14 का। यह हमें स्टाइलिश फॉसेस के साथ में हमें हाइड्रोलिक बेड मिलने वाला है विथ मैट्रेस। यह हमें वार्डरोब मिलने वाली है लॉकर के साथ में। एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए हमें यहाँ अपर कैबिनेट्स मिलेंगे। बात की जाए फॉल सीलिंग की तो आप देख सकते हैं स्टाइलिश लुक में फॉल सीलिंग मिलने वाली है हमें यहाँ पे। ये है इस रूम का टीवी पैनल जहां हमें शोकेस के लिए कॉलम दिए हैं, साथ ही हमें एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए ड्रॉर मिलेंगे। ये है इस रूम का ड्रेसिंग एरिया जहां हमें एक्स्ट्रा ड्रॉर मिलेंगे। अब मैं आपको लेके चलती हूँ फोर्थ रूम में।
आप देख सकते हैं फोर्थ रूम में कि परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ में हमें यहाँ डिजाइन लुक मिलने वाला है, जहां हमें विथ फॉसेस हमें बेड मिलेगा, हाइड्रोलिक बेड है ये, और विथ मैट्रेस मिलने वाला है। साथ ही हमें यहाँ पे वार्डरोब मिलेगी, एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए हमें यहाँ कैबिनेट्स मिलने वाले हैं। फॉल सीलिंग की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कंसील लाइट के साथ हमें फॉल सीलिंग मिलेगी। ये है इस रूम का अटैच टीवी पैनल, जहां आपको फैंसी लाइट्स दी हुई है। यहाँ हमें वेंटिलेशन के लिए विंडो मिलने वाली है। साथ ही हमें यहाँ मिलेगा इस रूम का ड्रेसिंग एरिया, एक्स्ट्रा स्पेस के लिए हमें यहाँ ड्रॉअर मिलने वाले हैं। ये है फर्स्ट फ्लोर का ओटीएस एरिया, जहां पे हमें वॉशिंग के लिए एक्स्ट्रा टैब मिलने वाला है। इन दोनों रूम में हमें कॉमन लेट बाथ मिलने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ हमें सीलिंग हाइट तक परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ हमें टाइल्स वर्क मिलेगा। साथ ही मैंने जैसे आपको बताया सिमेट्री हमें यहाँ पे सारा फिटिंग मिलने वाली है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ इस विला के सेकंड फ्लोर की ओर। जैसा मैंने आपको बताया था यहाँ हमें मिलेगी ग्रेनाइट की स्टेयर्स, स्टेनलेस स्टील की हमें रेलिंग मिलने वाली है। यहाँ हमें अपना एक्स्ट्रा सामान स्टोर करने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगी। ये है टेरेस का एंट्री गेट। अगर आपको ये विला पसंद है तो इसे खरीदने के लिए नीचे दिए नंबर पे कॉल कीजिए। साथ ही हमारे YouTube चैनल हाउस इन इंडिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। थैंक यू।